नमस्कार। ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल कई छोटे छोटे सोलर सेल से बना होता है। ये एक सोलर सेल है, इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसका काम होता है, सोलर सेल का, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। जब इस पे ज़्यादा लाइट पड़ती है तो इसके आउटपुट में करीब आधा वोल्ट जनरेट होता है फुल लोड पर। मतलब एक सोलर सेल फुल लोड पर आधा वोल्ट जनरेट करेगा। अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो बहुत सारे सीरीज में लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 सोलर सेल इधर लगे हैं और 9 इधर लगे हैं। ये भी एक सोलर सेल है, तो टोटल हो गए 18, 9 इधर और 9 इधर। तो 18 सेल से हमको 9 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि हर सेल आधा वोल्ट देता है और 18 सेल सीरीज में लगा करके हम 9 वोल्ट तक पा सकते हैं। ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं, ये बस बार है। इसका काम है इस सोलर सेल की सरफेस से करंट को कलेक्ट करना। अब हम इसके पीछे का हिस्सा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पीछे का हिस्सा आ गया। ये टर्मिनल हैं, प्लस और माइनस। इससे हमने दो वायर लगा दिए हैं और यहाँ टेप लगा दिया है जिससे वायर निकले नहीं। और ये इसकी नेम प्लेट है जिसमें इसके स्पेसिफिकेशन लिखे हैं। मैं स्पेसिफिकेशन को पास से दिखाता हूँ। ये सोलर पैनल की रेटिंग प्लेट को आप पास से देख सकते हैं। यहाँ पर पैनल के स्पेसिफिकेशन लिखे हैं। देखिए, जो ये कॉलम है वो नंबर ऑफ सेल्स हैं। एक सेल हो सकता है, 12 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं एक पैनल में। और ये है वोल्टेज एट फुल लोड और ये है वोल्टेज एट नो लोड। तो जब एक सेल होता है तो उसका आउटपुट 0.5 वोल्ट से 0.6 वोल्ट तक वैरी करता है। अभी हमने बताया था 0.5 वोल्ट आता है फुल लोड पर। अगर लोड नहीं है, नो लोड है, तो 0.6 वोल्ट आएगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि लोड पे डिपेंड करता है वोल्टेज। अब अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमने 12 सेल लगा दिए तो यहाँ क्या आएगा, 12 × 0.5 तो 6 वोल्ट आएगा। फुल लोड वोल्टेज 6 वोल्ट आएगा और नो लोड वोल्टेज 7.2 वोल्ट आएगा। अगर हम 18 सेल लगा दें सीरीज में तो फुल लोड वोल्टेज कितना आएगा, 18 × 0.5 9 वोल्ट और नो लोड वोल्टेज आएगा 10.8 वोल्ट। तो जो हमने अभी आपको दिखाया है वो 18 सेल वाला है, उसमें 18 सेल सीरीज में लगे हैं और फुल लोड वोल्टेज 9 वोल्ट आएगा, करीब आधा एम्पीयर से थोड़ा ज़्यादा लोड ले सकते हैं और 9 लोड पर 10.8 वोल्ट है। तो जब आप फुल लोड देंगे तो 9 वोल्ट आएगा। इस 9 वोल्ट से आप 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ये सोलर सेल या सोलर पैनल का आई वी कर्व है। ये वोल्टेज है और वाई एक्सिस में करंट है। और ये आई लिखा है ना, ये करंट प्लॉट है। ये पॉइंट होता है पावर एट मैक्सिमम लोड इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। और जो करंट होती है इस पॉइंट पर उसको बोलते हैं करंट एट मैक्सिमम पावर। देखिए, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो इतना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
तो ये जो वोल्टेज है वो है वी एम पी। इसी प्रकार करंट आई एम पी कितनी है, देखिए ये है ना, तो ये जो करंट है वो आई एम पी है। इसी प्रकार ये जो पॉइंट है यहाँ पे करंट जीरो है, देखिए ये जीरो है, तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। और इस पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट है, मतलब वोल्टेज जीरो है, तो इस पॉइंट पे जो करंट है उसको बोलते हैं आई शॉर्ट सर्किट। इसी प्रकार इस पॉइंट पे ये वोल्टेज होगा और ये करंट होगी, इस पॉइंट पे ये वोल्टेज होगा और ये करंट होगी। तो हर पॉइंट पर वोल्टेज और करंट अलग अलग है, ये मैक्सिमम पावर का पॉइंट है। अब हम आपको पावर कर्व दिखाते हैं इसका। ये देखिए मैच हो गया, ये जो हरे रंग का है ना, ग्रीन कलर, ये पावर कर्व है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर है और यहाँ पावर जीरो है। पावर क्या होती है, वोल्टेज गुणा करंट। तो यहाँ पे करंट जीरो है तो पावर जीरो होगी, यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों जीरो है तो पावर जीरो होगी, यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिलेगी। ये सोलर पैनल है और ये सिंपल सर्किट अरेंजमेंट है सोलर पैनल के ओपन सर्किट वोल्टेज को पता लगाने का। इसमें हमने इस मल्टीमीटर को पैनल के आउटपुट में सीधा दे रखा है और ये मल्टीमीटर 20 वोल्ट डीसी पर सेट है और ये लोड है, लोड हमने आउटपुट में नहीं लगाया है। जब लोड नहीं लगता है तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। अब हम आपको ऊपर छत पर धूप में ले चलते हैं और सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज देखेंगे कितना आता है। ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल को हमने सनलाइट में रख रखा है। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, प्लस मल्टीमीटर के प्लस को जा रहा है और माइनस माइनस को। मल्टीमीटर की सेटिंग है 20 वोल्ट डीसी और आउटपुट में हमने कोई लोड नहीं लगा रखा है और इसका ओपन सर्किट वोल्टेज है 10.17 वोल्ट। ये सर्किट है शॉर्ट सर्किट करंट पता लगाने का। इसमें हमने एक मल्टीमीटर सोलर पैनल के आउटपुट में लगा रखा है और मल्टीमीटर एडजस्ट है 10 एम्पियर डीसी में। जब मल्टीमीटर को हम एम्पियर में एडजस्ट करते हैं तो मल्टीमीटर के अंदर दोनों टर्मिनल शॉर्ट होते हैं। तो देखिए सोलर पैनल का आउटपुट ये शॉर्ट है, तो इस समय इसमें शॉर्ट सर्किट करंट बहेगी और ये मल्टीमीटर शॉर्ट सर्किट करंट पढ़ेगा। अब हम पैनल का प्रतिकल आपको करके दिखाते हैं। यहां पैनल का आउटपुट शॉर्ट है और करंट सेटिंग है 10 एम्पियर डीसी। ये शॉर्ट इसलिए है क्योंकि एम्पियर रेंज में इनपुट शॉर्ट होता है और करंट आ रही है 0.6 एम्पियर। अभी धूप कम है, जब धूप ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ज़्यादा करंट आएगी। अब यहाँ हमने सिंपल सर्किट दिखाया है सोलर पैनल
का वोल्टेज मैक्सिमम पावर लोडिंग पर पता लगाने का। इसके आउटपुट में हमने एक रजिस्टर लगा रखा है। इस रजिस्टर की वैल्यू ऐसी होती है कि इसमें उतनी ही करंट फ्लो हो आउटपुट में जितनी इसकी रेटिंग है मैक्सिमम पावर पर। उसके बाद रजिस्टर के अक्रॉस हम मल्टीमीटर से वोल्टेज पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मल्टीमीटर है उसकी सेटिंग है 20 वोल्ट डीसी। अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। यहाँ हमने आउटपुट में लोड लगा दिया, ये प्लस है ये माइनस। आउटपुट में 16.5 ओम का लोड लगा है, ये मैक्सिमम पावर का लोड है और वोल्टेज आ रहा है 8.08 वोल्ट। अभी सनलाइट कम है, जब लाइट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वोल्टेज ये पड़ेगा। अब ये सोलर सेल या सोलर पैनल के एडवांटेज हैं। उसमें पॉल्यूशन नहीं होता, लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस कास्ट नहीं होती और जो सनलाइट है फ्री होती है, आपका रॉ मटेरियल फ्री है। डिसएडवांटेज हैं, हाई कास्ट, इंस्टॉलेशन की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, इफिशेंसी कम होती है और क्लाउडिंग डे, अगर बादल हो या रात हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तब आपको बैटरी पे डिपेंड करना पड़ेगा।